कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सोच ही बुनियादी है। इनका बयान ये दर्शाता है, ये श्रमिकों के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि जो श्रम अधिनियमों में संशोधन अध्यादेश आया है, ये इसीलिए आया है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के वो सारे कामगार जो अन्य प्रदेशों में रह रहे थे, उन सभी प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश में लाने का निर्णय लिया और ये भी संकल्प किया कि हम उत्तर प्रदेश में ही इनको सेवा योजित भी करेंगे। जो जिस योग्य कामगार है उस लायक उसको काम यहीं पर हम दिलाने की व्यवस्था करेंगे। ज्यादा से ज्यादा आने वाले प्रवासी श्रमिकों को भी काम मिलेगा और इसका विरोध करने वाले स्वाभाविक रूप से वो प्रवासी श्रमिकों का विरोध कर रहे हैं, वो उन श्रमिकों का विरोध कर रहे हैं जिन श्रमिकों के लिए निवेश के माध्यम से रोजगार के अवसर तलाशने की प्रक्रिया चल रही है, वो उन श्रमिकों का विरोध कर रहे हैं जिन श्रमिकों के लिए हम लॉकडाउन के चलते बंद उद्योग मिल कारखानों में उनको पुनः सेवायोजित करने के लिए काम दिलाने के लिए अवसर प्रदान करने जा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इस बयान से उनका श्रमिक विरोधी चेहरा सामने आया है और उनको यह भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो श्रमिकों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं शायद उनको यह नहीं पता कि हमने नए निवेश के रास्ते को खोलते वक्त श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखा है। इसीलिए ये जो हमारा संशोधन अध्यादेश आया है उसमें हमने श्रमिकों के काम करने की अवधि को सुनिश्चित किया है, साथ ही साथ बंधुआ संप्रथा उस साधन अधिनियम को भी लागू किया है, कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम को भी लागू किया है, बच्चों और महिलाओं के नियोजन से संबंधित श्रम अधिनियम भी यथावत है और इसके साथ ही साथ जो वेतन संदाय अधिनियम है उसको भी हमने सूचित किया है। यानी श्रमिकों के हितों की रक्षा करते हुए हमने अलग से निवेश के माध्यम से, नए निवेश के माध्यम से और पुराने बंद पड़े मिल कारखानों उद्योग को चलाने के लिए, रोजगार ज्यादा से ज्यादा सृजित करने के लिए, श्रमिकों को ज्यादा से ज्यादा नियोजित करने के लिए, प्रवासी श्रमिकों को भी उत्तर प्रदेश में ही भिन्न भिन्न नए निवेश मिल कारखानों उद्योगों के माध्यम से सेवा आयोजित करने के लिए यह अध्यादेश लाया है। इसलिए पहले उनको अध्यादेश को पढ़ना चाहिए तब किसी प्रकार की टिप्पणी करना चाहिए, लेकिन उनकी टिप्पणी से आभास हो गया है कि वो श्रमिकों के नंबर एक के दुश्मन है, वो नहीं चाहते कि श्रमिकों के लिए नए रोजगार सृजित हों, प्रवासी श्रमिकों को काम मिले, इसीलिए वो अनाप शनाप की बयानबाजी कर रहे हैं।